देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंदौसी में संपन्न हुआ सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ कार्यकारिणी कार्यक्रम। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश प्रजापति ने आयोजित किया कार्यक्रम। सपा जिलाध्यक्ष असगर अंसारी व बिलारी विधायक फहीम भाई रहे मुख्य अतिथि। जनपद संभल के चंदौसी में बदायूं रोड स्थित गजराम सिंह स्कूल में सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश प्रजापति ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा का कार्यक्रम रखा, जिसमें पिछड़ा वर्ग से आने वाली विभिन्न जातियों जैसे कि जाट, प्रजापति, कश्यप, यादव, मौर्य, खड़कवंशी, कुशवाहा, पाल, नाई, मुस्लिम, धोबी, सलमानी, शहजादे, सैफी इत्यादि बिरादरी के सपा समर्थित कर्मठ कार्यकर्ताओं को जनपद पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में विभिन्न पदों की जिम्मेवारी सौंपी गई। इस अवसर पर सपा जिलाध्यक्ष असगर अंसारी ने बताया कि सपा कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से प्रदेश में सपा की सरकार बनाने को उत्सुक हैं और आगामी विधानसभा में सपा अपना परचम लहराएगी। वहीं चंदौसी विधानसभा सपा की युवा नेत्री मौनी कुमारी ने कहा, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश प्रजापति ने जो कमेटी गठित की है उसमें पिछड़ा वर्ग के सभी लोगों को बराबर का स्थान दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी जाति और धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलती है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज हमने 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प भी लिया है। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी का गठन किया गया है, उसमें कार्यक्रम में शामिल हुए तो क्या कहेंगे सबसे? आज हम चंदौसी आए थे, ये जो पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष हैं इन्होंने जो कमेटी गठित की है, बहुत ही अच्छी कमेटी गठित की है जिसमें सभी वर्ग के लोगों को मतलब कि साथ लेकर चले हैं। और हमारी जो समाजवादी पार्टी है हमेशा हर वर्ग हर जाति को एक साथ लेकर चलती है और हम सबका यही संकल्प है। आज हम सभी ने यही संकल्प लिया है कि हम सबको समाजवादी पार्टी 2022 में बनानी है और आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री 2022 में बनाना है। जय हिंद, जय समाजवाद। गठन हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी को और अपने जिलाध्यक्ष बड़े भाई असगर अली अंसारी साहब को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार जो ये हमारा आज पिछड़ा वर्ग का जो विस्तार हो रहा है उसमें मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये कार्यकारिणी हमारी 2022 में मजबूती से काम करेगी और हमारे प्रत्याशियों को जिताने में अहम भूमिका निभाएगी। 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, अपने विकास के नाम पर, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे के नाम पर और आपस की जो हम लोगों की जो कार्यक्रम जो शैली है, हम लोगों का जो तरीका है काम करने का, इंशाअल्लाह ताला जन हम लोग हर घर तक जाएंगे, हर दरवाजे तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विकास को पहुँचाएंगे। जो विकास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, हर तरीके का विकास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव साहब जब मुख्यमंत्री थे तब किया, तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विकास को जन जन तक हर घर तक पहुंचाएंगे, डोर टू डोर कन्वेंसिंग करेंगे और इंशाल्लाह सरकार बनाएंगे। समाजवादी देखिए, आज जो जिला समाजवादी पार्टी के पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ का विस्तार हुआ है, इस विषय में क्या कहेंगे? आज जो हमारी पार्टी के जो पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश प्रजापति, उन्होंने जो अपनी कमेटी जिले की कमेटी बनाई है, सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि पिछड़ा वर्ग के सभी जात बिरादियों को लेकर के उन्होंने जिले की कमेटी बनाने का काम किया है, जिसका फायदा हमें 2022 में होने वाले चुनाव में होगा। अच्छा, जैसे पंचायत चुनाव करीब आ गए हैं तो उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? हमारी पूरी तैयारी है, अभी तो हम पंचायत चुनाव में लगे हैं, पंचायत चुनाव के बाद में पूरी तरीके से विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा।